गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.56। जैसे कि हमारा एनालिसिस था, आप 25 नवंबर का एनालिसिस देखोगे क्या था कि यहाँ पे आपका आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस था, जिसके कारण हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि एक अपवर्ड पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अपवर्ड पुलबैक क्या है, अभी ये देखना है कि आपका 108 के ऊपर चला जाता है या अगेन 108 रेजिस्टेंस। अगर 108 और बिलो उसके नीचे, जैसे करेंटली कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया आपका 106.88 हाई मार के, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट होने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी चलेगा लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस। ये 108 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो क्या होगा, एक लोअर हाई लोअर लो को निगेट करेगा। इन सच अ केस मार्केट विल बी इन चॉपी वोलेटाइल फेज। तो अभी अपवर्ड मोमेंटम तो होना चाहिए, लेकिन क्या ये 108 के ऊपर क्लोज दे देता है या नीचे से ही दोबारा बॉटम को, जो आपका 105.4050 का बॉटम है, वहाँ पे टेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। डॉलर रुपी में आप 81.60, क्वाइट सरप्राइजिंग। आपका 21 नवंबर इज द रेफरेंस पॉइंट। आप जो मैं प्रीवियस एनालिसिस में भी बोल रहा हूँ, ये 21 नवंबर का डॉलर इंडेक्स है, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स 107.99 तक गया था, उसके बाद लो मारा था 105.32। यानी आपका इतना बेसिस पॉइंट का नीचे आया है जीबीपी डॉलर। अब देखो, ये था आपका 21 नवंबर का क्लोजिंग। आपका 21 नवंबर का क्लोजिंग कहाँ पे था, 1.1821, और उसके बाद ये हाई गया था आपका 1.20545 एंड करेंटली 1.1987 यूरो डॉलर। आप देखो 21 नवंबर आपका क्लोजिंग था 1.0235 एंड उसके बाद हाई मारा था आपका 1.05 के आसपास डॉलर। ये ना आप देखो 21 नवंबर में आपका 142.20 था, उसके बाद ये यहाँ पे आया 137.65 तक आके गया। कहने का मतलब ऑल करेंसी पेयर्स में 21 नवंबर के रेस्पेक्ट से काफी मोमेंटम मूवमेंट हमने देखा। वेयरएज डॉलर रुपी में 21 नवंबर का जो क्लोजिंग था आपका 81.70 एंड पिछले 6 ट्रेडिंग डेज में ऑलमोस्ट उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है, यानी मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट कुछ कंसोलिडेट करता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए ब्रेकआउट। अभी देखना है कि ब्रेकआउट क्या है, 81.40 के नीचे जाता है तो एक शार्प लोअर साइड हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 82 के ऊपर हम एक थोड़ा सा अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें इंतजार रहेगा ये रेंज ब्रेकआउट कब करता है। तब तक ऑप्शन राइटर्स जो होंगे, दे कैन एंजॉय 82 कॉल शॉर्ट एंड 81.5 पुट शॉर्ट करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अभी जीबीपी डॉलर में ये है आपका 1.1990। जैसे कि हमारे मंडे का एनालिसिस था कि ये सेंटर बैंक से काफी अवे है, तो देर आर हायर पॉसिबिलिटी इट शुड मूव टुवर्ड्स द सेंटर बैंक और टाइम करेक्शन, जहाँ पे सेंटर बैंक ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगा। इन एनी केस मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, उसके बाद ही क्या ये फर्दर सेंटर बैंक की तरफ जाएगा या यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम आएगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली आपका पुल बैक टुवर्ड्स द सेंटर बैंक हो रहा है, थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन के बाद हमें थोड़ा सा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर यूरो डॉलर में आप देखोगे जैसे आउटसाइड इनसाइड का था, उसमें टुवर्ड्स 1.0250 से 1.03 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो पुल बैक था आपका लो मारा 1.0320 तक लो मारा है। क्या फर्दर ये टुवर्ड्स द सेंटर बैंक जाएगा या प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ओनली हमें इसी का इंतजार करना है। अगर ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड अगर करना है लोअर टाइम फ्रेम में जाके कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढना है। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली सेल ऑफ आया है एंड थोड़ा सा क्या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या थोड़ा सा और थोड़ा रूम है टुवर्ड्स द सेंटर बैंक, ये हमें
प्राइस एक्शन से देखना पड़ेगा। डॉलर येन आपका ये जो सपोर्ट जोन के यहाँ पे काफी टफ फाइट दे रहा है। टफ फाइट का मतलब ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे जाने का कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि आपका 28 नवंबर का एक पिन बार जो है इट इज वेरी क्रूशियल। क्यों क्रूशियल? इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, लेकिन लो के नीचे एक शार्प सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ना इंडिया में भी सिमिलरली हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर बैंड की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर बैंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट डजंट मीन एकदम सेंटर बैंड तक ही आएगा, 0.5775 तक मे बी 0.585850 की तरफ आने का एक प्रयास कर सकते हैं। डॉलर कैंडी अभी है ये आपका 1.35 तोड़ के ऊपर चला गया है, ऊपर चला गया है और आपका ये कन्विंसिंगली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ऊपर गया है। दैट मींस अभी थोड़ा सा प्राइस को हमें सेटल डाउन होने देना है, उसके बाद क्या ये अपवर्ड मोमेंटम जाएगा या दोबारा नीचे की तरफ आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में ये सेंटर बैंक की तरफ आके अभी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एज एक्सपेक्टेड ऑन आवर मंडे करेंसी एनालिसिस। CNH आपका 28 नवंबर को काफी ऊपर चला गया था, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 7.2557, उसके बाद नीचे कल एक नीचे क्लोज दिया, इट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर CNH एज वेल एज पॉजिटिव साइन फॉर आवर रूपी ऑल्सो। यूके ऑयल ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी है आपका 85.17, जैसे कि हमारा ये था कि प्राइस से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें देखना है फंडामेंटल थिंग, फंडामेंटल क्या है, यूएस ब्राजील का यूएस वेनेजुएला का जो ऑयल डील है क्या वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-year ट्रेजरी 3.75 है, ये लेवल पे हमने क्या बोला था कि आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस है तो आपको ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपटिक मार सकता है एंड अपटिक मारा है। द रीजन मे बी समथिंग एल्स, फेड गवर्नर को ये आके कमेंट दिया होगा कि इतना जल्दी रेट स्लैश नहीं होगा, लेकिन पेस ऊपर जाएगा तो ये कमेंट जो है बाद में है। प्राइस पहले ही बोला था कि अभी ये वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है एंड प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये किसी भी कंडीशन में 3.84 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर 3.84 के ऊपर क्लोज दे देगा इन सच ए सिनेरियो प्राइस ये जो लोअर है लोअर लो फॉर्मेशंस का जो ट्रेंड है इसको डिलीट कर जाएगा एंड इन सच ए सिनेरियो प्राइस थोड़ा चौपी वॉलेटाइल बिहेव करना चालू कर देगा। तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।